नमस्ते, मैं हूं अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभा साक्षी का खास कार्यक्रम मोस्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन यानी MRI। महाराष्ट्र विधानसभा और विधान परिषद ने दो विधेयक पारित किए जिसके तहत राज्य सरकार को वार्ड के सीमांकन करने तथा वार्डों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार दिया गया है और राज्य चुनाव आयोग के लिए जरूरी किया गया है कि सरकार से सलाह के बाद ही चुनाव कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जाए। विपक्ष ने भी इस विधेयक का समर्थन किया और दोनों विधेयक सर्वसम्मति से पारित हो गए। इससे स्थानीय निकाय चुनावों में 5 से 6 महीने की देरी हो सकती है। उद्धव सरकार की तरफ से इस तरह का कदम उठाने के पीछे राज्य सरकार राज्य में होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव को तब तक आगे टाल सकती है जब तक OBC आरक्षण का मुद्दा नहीं सुलझ जाता है। महाराष्ट्र विधानसभा द्वारा पारित दो विधेयक कौन से हैं? महाविकास आघाड़ी सरकार ने मुंबई महानगरपालिका अधिनियम और महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायत और औद्योगिक नगरीय योजना लागू कानून के साथ साथ महाराष्ट्र ग्राम पंचायत तथा जिला परिषद और पंचायत समिति अधिनियम में संशोधन पेश किए थे। इस प्रस्ताव को विधानसभा और विधान परिषद में पारित किया गया तथा विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने भी इसका समर्थन किया। दो विधेयक राज्य सरकार को स्थानीय निकाय चुनावों के लिए परिसीमन और वार्ड गठन की शक्तियों लेने की अनुमति देते हैं। ये अधिकार पहले राज्य चुनाव आयोग के दिए गए थे। इन विधेयकों के अनुसार राज्य चुनाव आयोग अब राज्य सरकार के परामर्श से स्थानीय और नगर निकाय चुनावों के लिए मतदान कार्यक्रम तय करेगा। इसके अलावा संशोधनों ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा परिसमन प्रक्रिया को रद्द करने और नागरिक व स्थानीय निकायों के वार्डों के निर्धारण का भी प्रस्ताव किया है। महाराष्ट्र SEC जो 1994 में अस्तित्व में आया था, अतीत में इस गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। इन विधेयकों को पारित करने की क्या आवश्यकता थी? मुंबई और 25 जिला परिषदों सहित 10 नगर निगमों का कार्यकाल इसी महीने समाप्त हो जाएगा और इस साल चुनाव होने की उम्मीद थी। मार्च 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने स्थानीय चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को रद्द कर दिया था। तब से महाराष्ट्र सरकार इस कोटा को बहाल करने के लिए विभिन्न कानूनी रास्ते तलाशने की कोशिश में जुटी थी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को राज्य में OBC की स्थिति पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। रिपोर्ट को महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा संकलित किया गया जिसने स्थानीय निकाय के चुनावों में इसके प्रतिनिधित्व पर सिफारिशें की थी। महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने फरवरी में सौंपी अपनी 35 पेज की रिपोर्ट में OBC के लिए 27% तक आरक्षण की सिफारिश की थी। इसके बाद रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी गई। महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर OBC वर्ग को समुचित प्रतिनिधित्व के लिए आरक्षण मामले में गठित आयोग की रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने असंतुष्टि जताते हुए रिपोर्ट में की गई सिफारिशों का आधार आंकड़ों पर आधारित और तर्कसंगत बनाने को कहा। सुनवाई के दौरान जस्टिस AM खानविलकर और जस्टिस CT रवि कुमार की बेंच ने कहा कि रिपोर्ट में ही उल्लेख है कि आयोग द्वारा अनुभवज्ञ अध्ययन और शोध के अभाव में इसे तैयार किया जा रहा है। ऐसा करने में विफल रहने पर आयोग को अंतरिम रिपोर्ट दाखिल नहीं करनी चाहिए थी। नतीजतन किसी भी प्राधिकरण को राज्य चुनाव आयोग को छोड़कर उक्त रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर कार्रवाई करने की अनुमति देना संभव नहीं। SC के आदेश ने महाराष्ट्र सरकार को क्यों दिया झटका? सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने राज्य चुनाव आयोग को बिना किसी देरी के स्थानीय निकाय चुनाव में चुनाव प्रक्रिया को अधिसूचित करने और अपने पहले के आदेश का पालन करने का निर्देश दिया, जिसमें निर्देश दिया गया था कि OBC सीटों को सामान्य श्रेणी के रूप में माना जाए। महाराष्ट्र सरकार को लगता है कि OBC आरक्षण के बिना चुनाव कराने से उन्हें राजनीतिक रूप से नुकसान हो सकता है। ऐसे में जब विभिन्न समितियां अपने राजनीतिक अधिकारों पर जोर दे रही हैं और आरक्षण मांग रही हैं, तब सरकार ये दावा किया है कि वह OBC कोटे के बिना ये चुनाव नहीं कराएगी। दोनों विधेयकों को पारित करने से क्या होगा? दोनों विधेयकों को पारित करने से राज्य सरकार को समय निकालने में मदद मिलेगी। सरकार उम्मीद कर रही है कि वार्ड सीमांकन की प्रक्रिया की समीक्षा करने उसे राज्य में OBC की स्थिति पर अंतिम रिपोर्ट पर काम करने के लिए समय मिल सकता है। राज्य उम्मीद कर रही कि अगर SC के सामने अनुभवजी डेटा के साथ एक उचित रिपोर्ट पेश की जाती है तो वो OBC आरक्षण को बहाल करने में सक्षम होगा। हालांकि इस रिपोर्ट को पूरा करने के लिए इसे समय चाहिए और नए बिल इसे चुनावों में लंबा खींचने में शक्ति देंगे। तो आज हमने आपको महाराष्ट्र में चल रहे OBC आरक्षण के मसले और स्थानीय चुनाव टालने को लेकर उद्धव सरकार के लिए लाए गए बिल के बारे में बताया। आज के लिए दें इजाजत। ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए प्रभा साक्षी के साथ लगातार बन रहे। वीडियो को देखने के लिए फेसबुक और ट्विटर पर हमें फॉलो करें। YouTube पर प्रभा साक्षी को सब्सक्राइब करें।